नमस्कार दोस्तों। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान के बारे में। तो इसमें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में बात की थी सूचना एवं जनसंपर्क। अब बात करने वाले हैं सहकारिता एवं श्रम रोजगार। सहकारिता एवं श्रम रोजगार उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में, ठीक है। सहकारी आंदोलन एक ऐसा संगठन है जो समस्याओं का सामूहिक और प्रभावशाली विधि से समाधान करता है। भारत जैसे विकासशील देशों में सामाजिक पारितोष से युक्त आर्थिक संगठन के रूप में सहकारिता का बड़ा महत्व है। एच कालवर्ट के अनुसार सहकारिता एक ऐसा संगठन है जिसमें व्यक्ति मनुष्य की तरह स्वेच्छा अनुसार समानता के आधार पर स्वयं के आर्थिक हितों में वृद्धि करने के उद्देश्य संगठित होते हैं। सहकारिता ऐच्छिक संगठन या सदस्यता प्रजातांत्रिक प्रबंध अंशों पर सीमित ब्याज लाभ के वितरण सहकारी शिक्षा पारस्परिक सहयोग के सिद्धांत पर आधारित है। भारत में सन 1950 1895 में भारत में 1895 में सहकारिता की विचारधारा की शुरुआत हुई जब सर फेडरिक न्यू कॉल्सन ने देश में कृषकों को गंभीर ऋणग्रस्तता को देखते हुए सरकारी साख का विकास पर जोर दिया था। सन 1900 में भारत सरकार ने सर एडवर्ड लॉ की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की। इस समिति ने सहकारी समितियों की स्थापना पर विशेष जोर दिया था। सन 1904 में पहला सहकारी साख अधिनियम पारित हुआ। कब? 1904 में। इसी अधिनियम के साथ भारत में सहकारिता आंदोलन का श्री गणेश होना माना जाता है। उत्तर प्रदेश में सहकारिता पर आधारित कार्यक्रमों की शुरुआत स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व ही हो चुकी थी। इसके पश्चात भी उत्तर प्रदेश के सर्वांगीण विकास हेतु प्रथम पंचवर्षीय योजना में ही सहकारिता कार्यक्रमों की सुसंगठित शुरुआत हो गई थी। तभी से प्रदेश की अर्थव्यवस्था में सहकारी कार्यक्रमों का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। सहकारी आंदोलन की के बहुमुखी प्रसार को दृष्टिगत रखते हुए सन 1965 में नया सहकारिता अधिनियम लागू किया गया। वर्तमान में इसी अधिनियम के अधीन समस्त सहकारी समितियां अपने कार्यों का निष्पादन कर रही हैं। वर्तमान में प्रारंभिक कृषि ऋण सहकारी समितियां 7479, जिला सहकारी बैंक 1331 तथा उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी कृषि एवं ग्राम विकास बैंक 335 हैं। ठीक। प्रारंभिक कृषि ऋण सहकारी समितियों का गठन प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में केंद्र बिंदु विकसित करने के हेतु किया गया था। इन समितियों द्वारा कृषकों एवं अन्य ग्रामीण उपभोक्ताओं को उर्वरक बीज ऋण कीटनाशक दवाओं तथा उपभोक्ताओं वस्तुओं की आपूर्ति एक ही स्थान पर उनकी मांग के अनुरूप की जाती है। इन समितियों द्वारा लघु बैंक के रूप में कृषकों को ऋण भी विकसित किया जाता है। फिर आगे अपने कृषि ऋण सहकारी समितियों को काम कारगर बनाने तथा कृषकों को समय पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए ऋण वितरण प्रणाली को भी सरल बनाया गया। इसके लिए ऋण सीमा निर्धारण एवं ऋण वितरण पद्धति में मूलभूत परिवर्तन किए गए। निर्बल वर्ग के किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने के उद्देश्य से दुधाऊ पशुओं के क्रय सुअर पालन मुर्गी पालन कृषि उपकरणों की खरीद हेतु भी मध्यकालीन ऋणों का वितरण सहकारी समितियों के माध्यम से कराया जा रहा है। फिर आपकी शीर्ष एवं केंद्रीय समितियां। उत्तर प्रदेश में सहकारी सुविधाओं को ग्रामीण जनता तक पहुंचाने तथा संपूर्ण व्यवस्था के सुचारू नियंत्रण हेतु शीर्ष एवं केंद्रीय समितियों का गठन किया गया। प्रदेश में अब तक कुल 11 शीर्ष समितियाँ थीं जिनमें 2 ऋण समितियाँ और 9 गैर ऋण समितियाँ थीं। कुल
265 केंद्रीय समितियों में 57 केंद्रीय ऋण समितियाँ, 54 जिला सहकारी संघ, 57 केंद्रीय उपभोक्ता भंडार और 97 अन्य गैर ऋण समितियाँ थीं। फिर है आपकी सहकारी बैंक। उत्तर प्रदेश में जिला सहकारी बैंक की स्थापना 1944 में कब 1944 में हुई। उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक एवं प्रादेशिक सहकारी संघों द्वारा कृषकों को विकास हेतु विभिन्न प्रकार के ऋण दिए जाते हैं। इन बैंकों द्वारा जिन कार्यों हेतु ऋण दिए जाते हैं उनमें सिंचाई के साधन, कृषि संयंत्र, ट्रैक्टर, खाद एवं बीज, पशुपालन, गुड़ एवं खांडसारी आदि प्रमुख हैं। किसानों को उचित मूल्य पर खाद एवं बीज उपलब्ध कराने तथा उनके उत्पादन का उचित मूल्य दिलाने हेतु भी प्रयास इन सहकारी बैंकों द्वारा सहकारी संघों के माध्यम से किया जाता है। विदेश में सहकारी संस्थाओं के कुशल संचालन और वित्तीय मामलों के प्रबंधन के लिए अपेक्षित कार्य कुशलता की आवश्यकता हेतु कर्मचारियों एवं अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए सहकारी प्रबंधन प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान की स्थापना की गई। इसके अलावा कृषि उपज को वैज्ञानिक ढंग से सुरक्षित रखने हेतु उत्तर प्रदेश राज्य भंडारागार निगम का विस्तृत जाल संपूर्ण प्रदेश में फैलाया गया। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि स्वतंत्रता की प्राप्ति के उपरांत प्रदेश के चतुर्दिक विकास में सहकारी संस्थाओं ने सक्रिय भूमिका निभाई, जिसमें ग्रामीण एवं पिछड़े वर्ग तथा संपूर्ण जन समुदाय के समग्र विकास की कल्पना काफ़ी हद तक साकार हो रही है। सहकारी आंदोलन को गति देने हेतु जनता की सक्रिय भागीदारी इन सहकारी संस्थाओं के माध्यम से सुनिश्चित किए जाने के प्रयास भी विदेश सरकार द्वारा किए जा रहे हैं। इस हेतु न्याय पंचायत सहकारी समितियों का पुनर्गठन किया गया। सहकारी संस्थाओं के माध्यम से निर्बल वर्ग एवं पिछड़े वर्ग के आर्थिक उत्थान हेतु अनेक सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की मदद से विदेश में ग्रामीण उपभोक्ता योजना तैयार की गई, जिसके अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत सहकारी क्रय विक्रय समितियाँ अग्रणी समिति का कार्य करेंगी। समाज के कमजोर वर्गों के लाभार्थ जनता दुकानें खोली गई, जिनसे संपूर्ण प्रदेश में सहकारिता के माध्यम से आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं के वितरण की व्यापक व्यवस्था की गई। फिर है आपका यूपी कोऑपरेट फेडरेशन। विदेश की शीर्षस्थ सहकारी संस्था PCF ने प्रदेश में सहकारी आंदोलन को गतिशील बनाने लघु एवं सीमांत कृषकों को कृषि विकास हेतु निवेश के वितरण, कृषि उत्पादों को शासन द्वारा निर्धारित मूल्यों पर उनके उत्पादों का लाभकारी मूल्य दिलाने, भंडारण करने, आम उपभोक्ताओं को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करने, जीवन उपयोगी वस्तुओं तथा जीवन रक्षक दवाओं के उत्पादन एवं वितरण कार्य में अतुलनीय योगदान दिया। फिर है आपका नगरीय बैंक का गठन। ग्रामों के विकास तथा कृषकों की स्थिति सुदृढ़ करने के उद्देश्य से ग्रामीण अंचलों में प्रारंभिक कृषि ऋण सहकारी समितियों द्वारा अल्पकालीन तथा मध्यकालीन ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है, परंतु नगरीय क्षेत्र में नागरिक इन संस्थाओं से समुचित रूप से लाभान्वित नहीं हो पा रहे थे। अतः नगरीय क्षेत्रों के निम्न आय वर्ग के लोगों को आर्थिक मदद प्रदान करने तथा नगरीय जनता में सहकारिता की भावना सुदृढ़ करने के उद्देश्य से प्रदेश में नगरीय सहकारी बैंकों की स्थापना की जा रही है, जिससे नगरीय तथा अर्धनगरीय क्षेत्रों के व्यवसायहीन बेरोजगार लोगों एवं युवकों के लिए आत्मनिर्भर जीवन का आधार निर्मित हो सके, उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो सके। फिर है आपका उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक। उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक सहकारी अधिनियम के अंतर्गत निबंधित एक शीर्ष संस्था है, जिसकी स्थापना 1959 में हुई थी। बैंक का व्यवसाय एक पृथक अधिनियम उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक अधिनियम 1964 तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार संचालित किया जाता है।
वसूली वसूली के वित्तीय आधार को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से ऋण की वसूली पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जिसकी प्राप्ति के लिए शाखा जिला एवं क्षेत्रीय स्तर पर की जाने वाली कार्यवाही हेतु समय सारिणी निर्धारित की गई, जिसके आधार पर संबंधित शाखाओं की ऋण क्षमता प्रतिबंधित कर दी जाती है। फिर आगे उत्तर प्रदेश सहकारी न्यायाधिकरण। उत्तर प्रदेश सहकारी न्यायाधिकरण का मुख्य कार्य अपीलों की सुनवाई करने निर्णय देना। इसका कार्य छठा तल इंदिरा भवन अशोक मार्ग लखनऊ में स्थित है, ठीक है, कार्यालय, ठीक है। न्यायाधिकरण में एक अध्यक्ष होता है आपका, दो सदस्य होते हैं। फिर बात करते हैं सहकारी संस्थागत सेवा मंडल। उत्तर प्रदेश सहकारी संस्थागत सेवा मंडल का गठन मार्च 1972 में किया गया। मंडल के कार्य क्षेत्र में प्रदेश की समस्त शीर्ष संस्थाओं, केंद्रीय या प्रारंभिक समितियों जिनका कार्य क्षेत्र एक से अधिक जिलों या राज्य में हो आते हैं। जिला व केंद्रीय सहकारी बैंक, जिला सहकारी फेडरेशनों तथा उत्तर प्रदेश सहकारी आवास संघ लिमिटेड के कर्मचारियों का चयन, अनुशासनिक नियंत्रण आदि आते हैं। मंडल संस्थाओं द्वारा उनके कर्मचारियों हेतु सेवा नियमों का अनुमोदन भी किया जाता है। फिर आपका श्रम एवं रोजगार। उत्तर प्रदेश में बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए अनुकूल रोजगार प्रदान करने हेतु श्रम एवं रोजगार विभाग की अलग से स्थापना की गई, क्योंकि प्रदेश सरकार का नैतिक दायित्व है कि वह अपने प्रदेश के अंतर्गत निवास करने वाले व्यक्तियों को उनकी जीविका के उपार्जन के साधन उपलब्ध कराए। सन 1937 के पूर्व प्रदेश में औद्योगिक विवादों की रोकथाम तथा उसके निपटारे हेतु कोई पृथक राजकीय संगठन नहीं था। फलस्वरूप मजदूर संघों के विकास, श्रम कल्याण तथा विभिन्न श्रम अधिनियमों को लागू करने में असुविधा होती थी। अतः विदेश में इस वर्ष कानपुर में पहली बार श्रम कल्याण केंद्रों की स्थापना की गई। तदुपरांत संपूर्ण प्रदेश में इन कल्याण केंद्रों की संख्या में निरंतर वृद्धि होती है गई। अब इनकी संख्या लगभग 80 से अधिक हो गई। उक्त राजकीय श्रम कल्याण हेतु केंद्र राज्य के विभिन्न औद्योगिक संस्थानों में स्थापित किए गए। इनके माध्यम से श्रमिकों तथा उनके पारिवारिक सदस्यों को अनेक श्रम कल्याण की सुविधा प्रदान की जाती है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्थापित इन राजकीय श्रम कल्याण केंद्रों द्वारा श्रमिक परिवारों के कल्याणार्थ एवं उद्यान हेतु मद निषेध, छुआछूत निवारण, राष्ट्रीय एकता, सहकारिता तथा परिवार कल्याण संबंधी विभिन्न कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाता है। फिर आपका श्रमिक संघ। श्रमिकों को उनके कार्यों के अनुसार उचित मजदूरी दिलाने तथा कारखानों के प्रबंधनों से उनके साथ मधुर संबंध बनाने की दृष्टि से प्रदेश में श्रमिक संघों का पंजीकरण उन्हें मान्यता देने का निर्णय लिया गया है। फिर आपकी श्रमिकों हेतु न्यूनतम मजदूरी। उत्तर प्रदेश में श्रमिकों को आर्थिक दृष्टि से सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अंतर्गत आवश्यक प्रावधान उपलब्ध हैं, जिसके अनुसार राज्य सरकार श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन दरें, महंगाई भत्ता आदि का निर्धारण कर सकती है। साथ ही आवश्यक समझने पर इन दरों को पुनरीक्षित भी कर सकती हैं। इस अधिनियम में असंगठित उद्योगों के श्रमिकों का विशेष रूप से उल्लेख किया गया। इसके फलस्वरूप तम्बाकू अभिनिर्माण, चर्म शोधन, चर्म वस्तु निर्माण, बेकरी एवं बिस्कुट निर्माण, होटल जलपान ग्रहण, चार बागान, धातु उद्योग, ढलाई घरों, हौजरी उद्योग, दिया सलाई उद्योग, आइसक्रीम निर्माण, ईंट भट्टा, शीतगृह, डीजल इंजन उद्योग, साइकिल निर्माण आदि अनेक उद्योगों में श्रमिकों हेतु न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण कर दिया गया है। फिर आपकी वृद्धावस्था पेंशन योजना। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में निराश्रित वृद्ध व्यक्तियों के भरण पोषण हेतु वृद्धावस्था पेंशन योजना की व्यवस्था की है। इस योजना का आरंभ दिसंबर 1957 में किया गया था। वृद्धावस्था पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य समाज के वयोवृद्ध, अंध, अपाहिज, अपंग एवं निराश्रित व्यक्तियों को आर्थिक सहायता के रूप में सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना।
ऐसे वैध निरक्षर व्यक्तियों को 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वो उन्हें 100 रुपये प्रतिमाह दिया जाता था। फिर श्रमिकों हेतु आवास, विदेश के बड़े औद्योगिक नगरों में स्वच्छ वातावरण रखने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा श्रमिकों हेतु आवासों के निर्माण कार्य का भी आरंभ किया गया है। फिर बंधक श्रमिकों की प्रथा की समाप्ति, भारत सरकार द्वारा 1976 में पारित किए गए बॉन्डेड लेबर सिस्टम एक्ट 1976 के अनुसार विदेश में बंधक श्रमिकों प्रथा की समाप्ति कर दी गई तथा बंधित श्रमिकों की गिरवी रखी हुई जायदाद को भी मुक्त करने की घोषणा कर दी गई। इसके अतिरिक्त बंधक श्रमिकों के पुनर्वास को भी की भी व्यवस्था की गई। उत्तर प्रदेश श्रम मंत्रालय के अनुसार राज्य में बाल श्रमिकों की संख्या 35,000 है, जिनमें से 16,000 श्रमिक खतरनाक उद्योगों में कार्यरत हैं। इसमें निरंतर कमी जारी है। फिर आपका श्रम अधिनियम औद्योगिक विवाद, विदेश में श्रमिकों के कार्य की दशाएं उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने की दृष्टि से अनेक श्रम अधिनियम नियमों का निर्माण किया गया। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कारखाना अधिनियम 1948, दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम 1962, औद्योगिक नियोजन स्थायी आदेश अधिनियम 1946, श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923, मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम 1961, कर्मचारी भविष्य निधि तथा पारिवारिक पेंशन अधिनियम 1952, कर्मचारी परिवार पेंशन योजना 1971, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, दी इक्वल रेम्यूनेशन एक्ट 1976, सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉयज एक्ट 1976, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970, वेतन संदाय अधिनियम 1936, उद्यान श्रम अधिनियम 1951, उत्तर प्रदेश औद्योगिक शांति अध्यादेश 1977, उत्तर प्रदेश प्रति स्थानीय मजदूर नियोजन आदेश 1948 और बोनस भुगतान अधिनियम 1965 आदि अधिनियम लागू हैं उत्तर प्रदेश में, याद रखना है। उत्तर प्रदेश में प्रथम बार प्रोत्साहन भुगतान योजना बनाकर एवं द्विपक्षीय समिति गठित करके विभिन्न उद्योगों में उत्पादन में वृद्धि और अनुशासन बनाए रखने में वृद्धि की योजना बनाई गई। सेवा योजन, प्रदेश में बेरोजगारी की निरंतर बढ़ती जा रही समस्या से निपटने हेतु प्रदेश के सभी जिलों में सेवा योजन कार्यालयों की स्थापना की गई। इस समय प्रदेश में 84 सेवा योजन कार्यालय कार्यरत हैं। इन कार्यालयों में 2001 तक कुल 4,20,811 प्रार्थी पंजीकृत थे तथा इस वर्ष 13,484,000 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया। प्रदेश में इस वर्ष तक कुल 21,09,000 व्यक्तियों को सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार मिला हुआ था, जिसमें से 21.9 केंद्रीय सरकार में, 36.8 राज्य सरकार में और 25.4 अर्ध सरकारी कार्यालयों में, 16.1 स्थानीय निकायों में कार्यरत हैं। सेवा योजन कार्यालय से रोजगार दिलाने के अलावा प्रदेश में कृषि सेवाओं का विकास, ग्रामीण क्षेत्रों में लघु उद्योग धंधों की स्थापना, सिंचाई की सुविधा का विकास, ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाओं का क्रियान्वयन तथा सड़कों का निर्माण आदि कार्य कराकर भी रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराने का प्रयास कर रही है। शिक्षित तथा तकनीकी रूप से प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को रोजगार प्रदान करने तथा शासन द्वारा उन्हें आसान शर्तों पर ऋण भी दिए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में शिक्षित बेरोजगारों के स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए स्वतः रोजगार योजना चलाई जा रही है। इसके अंतर्गत उद्योग लगाने के लिए 35,000 तथा व्यवसाय करने हेतु 15,000 रुपये का ऋण प्रदान किया जाता है। साथ ही इस ऋण पर 25% अनुदान भी दिए जाते हैं। इस योजना में 18 से लेकर 35 वर्ष आयु वर्ग के हाई स्कूल या उससे अधिक योग्यता वाले नवयुवक आईआईटीआई में प्रशिक्षित युवक या डिप्लोमाधारी युवक उक्त सुविधा के पात्र हैं। प्रदेश में पूरक रोजगार के रूप में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना भी चलाई जा रही है,
इसके अलावा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक भूमिहीन मजदूर को वर्ष में कम से कम 100 दिन रोजगार प्रदान किए जाने की व्यवस्था की गई। ट्राइसेम योजना भी ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इस योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष 40 युवाओं का चयन प्रत्येक विकासखंड में किया जाता है। इन युवकों को प्रशिक्षण कर रोजगार दिलाने का प्रयास किया जाता है। भारत में सन 1895 में सहकारिता की विचारधारा की शुरुआत हुई। सन 1904 में पहला सहकारी शाखा अधिनियम पारित हुआ। प्रारंभिक सहकारी समितियों द्वारा लघु बैंक के रूप में कृषकों को ऋण भी वितरित किया जाता है। उत्तर प्रदेश में जिला सहकारी बैंक की स्थापना 1944 में की गई। आपकी उत्तर प्रदेश सहकारी न्यायाधिकरण का कार्यालय 6 तल इंदिरा भवन अशोक मार्ग लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश सहकारी संस्था सेवा मंडल का गठन 1972 में किया गया। उत्तर प्रदेश में श्रम मंत्रालय के अनुसार राज्य में बाल श्रमिकों की संख्या 35,000 है। ठीक है, अब कुछ डायरेक्ट पूछ लेते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, इन्हें भी देख लीजिए। उत्तर प्रदेश में शिक्षित बेरोजगार युवकों को रोजगार प्रदान किए जाने हेतु किस योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है? तो याद रखिए स्वतः रोजगार योजना, बी ऑप्शन सही है। दूसरा है पूरक रोजगार के रूप में निम्नलिखित में से कौन सी योजना उत्तर प्रदेश में चलाई जा रही है? तो यह आपकी बी ऑप्शन सही है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना। क्वेश्चन है आपका तीसरा, उत्तर प्रदेश में जिला सहकारी बैंकों की स्थापना कब की गई थी? 1944 में, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है चार, वृद्धावस्था पेंशन योजना का शुभारंभ उत्तर प्रदेश में किस वर्ष किया गया था? तो याद रखना दिसंबर 1957 में, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका पाँच, उत्तर प्रदेश में स्थित सेवा योजना कार्यालय बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार दिलाने के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करते हैं? तो इसमें होगा आपका डी, क्या होगा, कृषि सेवाओं का विकास, लघु उद्योग धंधों की स्थापना, ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं का क्रियान्वयन, उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन होगा सभी। ठीक है, क्वेश्चन है आपका सिक्स, ट्राइसेम योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के प्रत्येक विकास खंड में से कितने युवाओं का चयन प्रतिवर्ष किया जाता है? 40, सी ऑप्शन सही है। साथ है उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1959 में, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आठ, बॉन्डेड लेबर सिस्टम एक्ट के अनुसार बंधक श्रमिक प्रथा की समाप्ति कब कर दी गई थी? तो याद रखना 1976 में, डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है नौ, सहकारी आंदोलन के बहुमुखी प्रसार को दृष्टिगत रखते हुए कब नया सहकारिता अधिनियम लागू हुआ? तो ये हुआ था आपका 1965 में। क्वेश्चन है आपका 10, यूपी कोऑपरेटिव फेडरेशन ने क्या कार्य किया? सहकारी आंदोलनों को गतिशील बनाया, सही है। आम उपभोक्ताओं को सार्वजनिक वितरण प्रणाली में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति कराई, सही है। जीवन उपयोगी वस्तुओं तथा जीवन रक्षक दवाइयों के उत्पादन एवं वितरण कार्यक्रम में योगदान किया, ये भी सही है। ठीक, तो इसमें क्या होगा, डी ऑप्शन सही होगा। तो चलिए, ये था आपका सहकारिता एवं स्वयं रोजगार से संबंधित चैप्टर। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे संग्रहालय के बारे में, उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में संग्रहालय देखेंगे। ठीक, संग्रहालय।